वो अपना सा। सबको एक और मौका मिलना चाहिए। चलो ठीक, तुम्हें दूसरा मौका दिया। जिया ने आज तक इस परिवार के लिए जो किया है ना, तुम करके दिखाओ। मेरी सेवा, एक अच्छी बेटी, बहू होने के सारे फर्ज निभाए उसने। क्या तुम ये कर सकती हो? पहले आप परिवार को प्यार देना सीखिए। असली खेल तो अब शुरू हुआ। एक हफ्ते के अंदर पिन्नी तुम्हें इस घर से निकालकर बाहर फेंक देगी। अरे हट, कभी चक्कू मार देती हो, कभी गोली चला देती हो, कभी बम लगा देती हो। खेल खेलना है ना, तरीके से खेलो, बिना चीटिंग के, उसूलों के साथ। मंजूर है? आकाश, मुझे ऐसा किसी के लिए भी फील नहीं हुआ जो मैं आकाश के लिए करती हूँ। अर्जुन, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी, मुझे भी कुछ बताना है तुम्हें। यह एक राज जो मैंने तुमसे छिपाया है। बहुत पहले मैंने किसी से एक वादा किया था। कैसा वादा? बताओ, कहाँ है बिन्नी? मुझे क्या पता बिन्नी कहाँ है। तुमने भेजा बिन्नी को कहीं? अरे मुझे नहीं पता बिन्नी कहाँ है। बिन्नी कहाँ चली गई थी? I missed you. Yep. Oh my God. ये चोट कैसे लगी तुम्हें? क्या हुआ? पिनी, आई हो okay? ये लड़की पता नहीं क्या ड्रामा कर रही है। क्या हुआ पिनी? क्या है ये सब? वो... अरे क्या आप लोग भी इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा बना रहे। एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, इसका पैर फिसल गया और वहाँ एक लकड़ी थी तो स्लीप फट गया। हाँ। Of course, हाँ आऊंगी मैं जी। इनविटेशन तो मिल गया है, हाँ आ जाऊंगी। ओके, थैंक यू। बिन्नी बेटा, कितनी लेजी हो गई हो। हाँ, अभी तक चेंज नहीं किया तुमने। चलो वार्डरोब से ड्रेस निकालो और चेंज करो। मॉम। अरे हाँ, थैंक यू बिन्नी कि तुम टाइम पर आ गई। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पीछे यहाँ क्या हो रहा था। ये अर्जुन और जिया दोनों मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि मैंने कुछ गड़बड़ की, मैंने तुम्हें किडनैप करवाया। आज वो वाइन फेस्ट है ना, वहां मुझे एज ए चीफ गेस्ट जाना है। बस मैं उसी की तैयारी कर रही थी, उन्हीं का फोन आ रहा है। बिन्नी, मैं बिन्नी का नाश्ता यहाँ पर रख दो और यहाँ से चली जाओ। डिस्टर्ब मत करना मेरी बेटी को। बिन्नी, तुम्हारे लिए सूप और फ्रूट्स लाई हूँ, तो तुम खा लेना। ऑफ कोर्स मैं आऊंगी, आपकी पार्टी है, मिस कैसे कर सकती हूँ। ओके, यस डॉक्टर। नो, क्या है ना डॉक्टर, मुझे अपनी बेटी बिन्नी की बहुत फिक्र है, इसलिए आपको फोन किया। ओके, थैंक यू डॉक्टर। तुम्हारे डॉक्टर से बात कर रही थी, वो मेडिसिन वगैरह सब डबल चेक कर रही थी। मॉम, आपको मेरे लिए किसी भी डॉक्टर से बात करने की जरूरत नहीं है। आई एम फाइन नाउ। मॉम, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ, ऑफ कोर्स बिन्नी, बेटी मॉम से बात शेयर नहीं करेगी तो और किससे करेगी? आओ, यहाँ बैठकर बात करते हैं। आई लव आकाश। क्या है ना डॉक्टर आकाश, जो चीज़ हमें ज़िंदगी में चाहिए होती है ना, ज़रूरी नहीं कि वो हमें हमेशा के लिए ही मिल जाए। बस यूं ही कह दिया आपसे। बिनी को मेरी तरफ से बाय कह दीजिएगा, मैं उसे कॉल करने की कोशिश करूंगा। कोई बात नहीं, जितना आप उसको याद करेंगे ना, उतनी जल्दी बिन्नी आपको भूल जाएगी। जब उसकी कोई नजरों के सामने नहीं होता ना, वो बहुत जल्द उसे भूल जाती। मैं जानती हूँ अपनी बेटी को। बाय बाय बाय। पूछ रहा हूं क्या किया ये? बुद्ध बन के क्यों खड़ा है? क्या किया तूने? बिन्नी के खिलाफ ना मैं कोई नाइंसाफी नहीं सहूंगा, समझा? क्या कांड किया तूने? क्यों किया मैं बताऊं? इसलिए ताकि मैं तेरे साथ घर चल के चलूं। सही कह रहा हूं ना? ये सारा खेल तूने इसलिए खेला है ताकि मैं तेरे साथ घर जल्दी चलूं। साला ऊंट जितना लंबा हो गया, आजकल दिले बलती नहीं है। तुझे अब तक कितना बड़ा कांड किया तूने ये? घर वालों को कितनी बड़ी मुसीबत होगी पता तुझे? भाई चुप, एक शब्द मत कहियो। अब जैसा मैं कहूंगा ना वैसा होगा। मुकर जा, जो बोला है उससे मुकर जा। अगर नहीं मुकरा ना तो मैं अपने वादे से मुकर जाऊंगा। घर नहीं जाऊंगा तेरे साथ, समझ गया? भाई प्लीज आप मेरी बात तो सुनिए। सुनने को और क्या बाकी रह गया आकाश? तुम्हें पता है ना बिन्नी तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, फिर भी तुमने उससे झूठ कहा कि तुम उससे प्यार करता हूं। उससे और दिखावे वाला नहीं, सच्ची प्यार करने लगा हूं बिन्नी से। आई रियली लव हर भाई। और आकाश तुम इंसान आगे ना बहुत तेज चीज है, जो किया है उसने उसके पीछे जरूर उसका कोई मकसद है। अर्जुन और जिया को अगर एक होने दूंगी तो कम से कम वो मुझे बददुआ तो नहीं देंगी। अगर तुम मुझसे कहोगी ना तो मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारी बात मानेगा। हमारी शादी का कार्ड सबको तो यही लगेगा कि रिश्ता पृथ्वी ने तोड़ दिया, और इस रिश्ते को तोड़ने की सबसे बड़ी वजह थी ये प्रीता अरोरा पूरी रात करण लूथरा के साथ गुजार के आई है। ये संग्राम ही समोनिका से मिला हुआ था, उसको सारी इंफॉर्मेशन दे रहा था, उसकी मदद कर रहा था, उसी ने उसे भगाने में मदद की है। एक्सीडेंट बहुत ही दर्दनाक था, उसकी वजह से उन्हें काफी चोटें भी आई हुई हैं, और एक्सीडेंट के ट्रॉमा की वजह से उनके दिल पर भी काफी गहरा असर हुआ है। उनकी धड़कनें जवाब दे चुकी हैं। अब उनके बचने का केवल एक ही तरीका है, हार्ट ट्रांसप्लांट। संजली बाहर क्या करने आएगी? अरे हम फोन भी तो कर सकते हैं ना उसे, मैं करती हूँ। आवाज वहां शेड से आ रही है। अंजलि।